नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है टाटा टियागो आई सी एन जी, क्योंकि हाल ही में न्यू लॉन्च एक अपडेट के साथ आई है। पहले भी सी एन जी मिलता था टियागो में, आपने देखा होगा मेरा रिव्यू। तो देखते हैं क्या क्या ऐड हुआ है इस बार। तो कुछ ऐसा इसका फ्रंट लुक, लुक्स में कोई चेंज नहीं है। हाँ, टाटा का नया लोगो आ गया है बीच में, फुल फ्लैट लोगो ब्लैक एंड क्रोम में, और यहाँ कुछ क्रोम फिनिश ग्रिल में, डिफरेंट बम्पर, और ये हेडलाइट सेटअप देख सकते हैं आप। यहाँ बिल्कुल नीचे मिल जाती है DRLs, नीचे फॉग लैम्प, और ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, और ये ऑल न्यू ब्लू कलर, बिल्कुल चमक रहा है सनलाइट में। इन्हें कुछ मैट फिनिश, नॉर्मल वाइपर्स दिए इसमें, रेन सेंसिंग वाइपर्स है पर, और ये फ्रंट विंडशील्ड, यहाँ पे CNG की बैजिंग, कुछ ऐसे दिखते आगे से, देखते साइड से, कुछ ऐसे दिखते साइड से। 3.7 मीटर लेंथ है, 1.6 मीटर विड्थ है, और 1.5 मीटर हाइट है टाटा टियागो की। और ये ग्लोसी ब्लैक फिनिश में ORVMs इंडिकेटर के साथ, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, डोर हैंडल पे क्रोम्स, यहाँ पे क्रोम फिनिश है, और ये प्लेन रूफ, यहाँ एंटेना जो कि मिसिंग है अभी, और ये पेट्रोल के लिए फ्यूल टैंक 35 लीटर का। टायर सेक्शन देखे तो 175, 65, R14, 14 इंच व्हील है, और ये कुछ टायर कवर, यहाँ टाटा का लोगो बीच में, अपोलो के टायर्स है, और ये कुछ स्थिति है पीछे से, और नीचे बम्पर, यहाँ टियागो की बैजिंग, अबे टीवीएस कैमरा, यहाँ टाटा का लोगो, रियर विंडशील्ड पे वाइपर, वॉशर और डिफॉगर, यहाँ भी CNG की बैजिंग, वोकल फॉर लोकल का स्टिकर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, और इसके टेल लैंप्स ऑन करते हैं, जैसे हो गए ऑन, हैलोजन टेल लैंप्स है, खोलते बूट, जैसे इसकी बूट स्पेस 209 लीटर्स की, इसमें भी ड्यूअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी आ गई है, 3 kg का हुक, यहाँ भी 3 kg का हुक, इसके नीचे सिलेंडर, वार्निंग ट्रायंगल, ये बेंच सीट्स, एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है, स्पेयर व्हील नीचे माउंटेड है SUV की तरह, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से करते बंद इसको, चलते आगे। हाँ, इसकी की दिखाना रह गया था, ये लॉक अनलॉक, और ये लाइट, और ये फ्लिप की है, देखते हैं पीछे स्पेस, कुछ ऐसी है इसकी डोर ट्रिम, ब्लैक और स्लाइटली बीच फिनिश में, पावर विंडो के कंट्रोल्स, ये अपने पास है XZA प्लस मॉडल AMT में, मतलब ऑटोमेटिक में, क्रोम डोर हैंडल्स, ट्विटर, स्पीकर, और ये बोतल रखने के लिए कुछ स्पेस, कुछ ऐसी दिखती है पीछे की सीट्स, बेंच सीट्स है विदाउट, ये फिक्स हेडरेस्ट है, फैब्रिक अपहोस्ट्री है ये डिज़ाइन के साथ, ये कुछ ऐसा है इसका नी रूम, थाई सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा हो सकता था, और यहाँ पॉकेट्स, वो भी ड्यूअल पॉकेट्स है इसमें, यहाँ हैंडल बार, आर्मरेस्ट इसमें नहीं आता है, और ये कुछ ऐसा दिखता है डैशबोर्ड,
टॉप मॉडल में ऑफ कोर्स इससे ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे आपको, पर ये आपके लिए वैल्यू फॉर मनी मॉडल हो सकता है। चलते आगे, देखते स्पेस और फीचर्स। पीछे आपको कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता है, देख लीजिए आप। ये हो गया अपना को ड्राइवर डोर, यहाँ पे सेम डोर ट्रिम, बॉर्डर रखने के लिए स्पेस, यहाँ पावर विंडो के कंट्रोल्स, क्रोम फिनिश पे डोर हैंडल्स, सीट के आगे की सीट्स, डिक्लाइनर स्लाइडिंग सीट्स है, डो एडजस्टेबल हेड रेस्ट है, हाँ 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स मिल जाती है आपको पांचों के पांचों पैसेंजर्स के लिए, और यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर सेफ्टी के लिए, और यहाँ देखे तो 2 kg का हुक, एक ग्लो बॉक्स वो भी कूल्ड, और यहाँ आप देखेंगे ये ब्लू इंसर्ट्स न्यू कलर के लिए, न्यू कलर के साथ इस इवेंट्स में, यहाँ ट्विटर, जैसा इसका सेंट्रल कंसोल, यहाँ कुछ स्पेस पीछे वालों के लिए, और यहाँ की के लिए स्पेस, 2 कप होल्डर्स, मैनुअल हैंड ब्रेक, और ये अपना 5 स्पीड AMT ट्रांसमिशन मैनुअल में भी अवेलेबल है, और यहाँ भी कुछ स्पेस काफ़ी डीप, चार्जिंग पोर्ट, एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, एक USB पोर्ट, ये AC के कंट्रोल्स, ये अपना 7 इंच का हार्मन कार्डन का इंफोटेनमेंट पैनल, AC vents, हजार लाइट के कंट्रोल्स, और ये इसका डैशबोर्ड टेक्सचर के साथ, यहाँ देखे तो मैनुअल डे नाइट RVM है, अपना को ड्राइवर का सनवाइजर मेरे के साथ, ये अपना ड्राइवर का सनवाइजर। चलते ड्राइवर की ओर, और ये मैनुअल की ओपनिंग, कुछ ऐसी इसकी डोर ट्रिम, और ये कुछ ऐसी है ड्राइवर डोर ट्रिम, ये बॉर्डर रखने के लिए स्पेस, हाँ टेक्सचर, और ये 4 पावर विंडो के कंट्रोल्स, क्रोम फिनिश पे डोर हैंडल्स, और ये ओवरव्यू के कंट्रोल्स, ग्लास एरिया, और ये कुछ ऐसी दिखती है ड्राइवर सीट, मैन्युअली हाइट एडजस्टेबल है, मैन्युअली रिक्लाइनेबल है, ये 2 पेडल्स, मैं यहाँ देखे तो फ्यूल लीड ओपनिंग के लिए, और ये बूट ओपनिंग के लिए, फ्यूल लीड दिखा देता हूँ, क्योंकि पेट्रोल फ्यूल लीड, और ये CNG में 60 लीटर्स की कैपेसिटी है, यहाँ ड्राइवर के लिए स्पेस, अरे कुछ ऐसा इसका डैशबोर्ड, और ये ड्राइवर व्यू, यहाँ हो जाएगा टाटा का लोगो, स्टेरिंग व्हील डी कट स्टेरिंग व्हील है, मतलब फ्लैट बॉटम, मैंने देखे तो ग्लॉसी ब्लैक फिनिश, या नो बटन्स, यहाँ पे इंफोटेनमेंट पैनल के कंट्रोल के लिए बटन्स और कॉल के बटन्स, मैंने देखे तो लाइट के कंट्रोल्स, या वाइपर के कंट्रोल्स, रेन सेंसिंग वाइपर मतलब ऑटोमेटिक वाइपर्स है, ये स्टीयरिंग एडजस्टमेंट टिल्टेड टेलीस्कोपिक नहीं है क्योंकि एक्सपेक्टेड था, और ये हो गया ऑन इसका सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एसी को करते हैं कम, एसी के कंट्रोल्स इसमें भी है, इसका 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट पैनल, अपना एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले सपोर्टेड है, रेडियो USB फ़ोन ब्लूटूथ ऑडियो ये सब आपने देखा हुआ है, जो न्यू अपडेट थी वो CNG की थी, ये ऑडियो सेटअप कॉन्टैक्ट्स फेवरेट्स पार्क असिस्ट US कैमरा की क्वालिटी आप देख सकते हैं, फोन सेटअप, देखा तो साउंड डेमो वो भी आपने सुना हुआ है, ऑफ कोर्स काफ़ी अच्छा रहता है हरमन गार्डन का,
ये अपना ऑडियो सेटअप, ये हो गया एप्पल कारप्ले, ये हो गया रेडियो, यूएसबी, फ़ोन, ये काफ़ी फैमिलियर है आप इससे। और ये हो गया ये भी आपने देखा हुआ है, फ्यूल इंडिकेटर, यहाँ हो गया आरपीएम के लिए, और बीच में स्पीडोमीटर है, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं आपको ट्रिप ए, ट्रिप बी, या ऑडोमीटर। और यहाँ से जस्ट अ सेकंड, यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से ये टाइम के लिए है, जैसे ये टाइम के लिए है सिर्फ, यहाँ आप टायर प्रेशर देख सकते हैं चारों का। काफ़ी बेसिक सारे फीचर्स है इसमें। और ये हो गया इसके डैशबोर्ड की फिनिश। काफ़ी लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आप फिर देख के बोर हो जाएंगे, इसलिए देखते हैं इंजन इसका। हम लोग ऑलमोस्ट सब कवर हो चुका है, लेट्स सी द इंजन। इंजन में कोई चैन नहीं है, तो ये 1.2 लीटर का रिवोट्रॉन इंजन, सीएनजी इंजन, तो ये करीबन 72 bhp पावर और 95 Nm टॉर्क बनाता है जो कि पहले था। इसमें कोई चैन नहीं है, ये कवर, थ्री सिलेंडर इंजन है ये। कैसी लगी आपको ये टाटा टियागो ICNG? जो मेजर इम्प्रूवमेंट है वो बूट स्पेस कैपेसिटी में है, जो कि अभी बढ़ गई है, पहले बिल्कुल भी नहीं आती थी। आपने मेरी पुरानी वीडियो के रिव्यूज देखे होंगे टाटा टियागो ICNG के, उसमें बिल्कुल स्पेस नहीं थी पीछे, अब आ गए। और ये प्लस ये नया कलर जो कि सनलाइट में काफ़ी चमक रहा है। तो कैसी लगी आपको ये टाटा टियागो हमें कमेंट से बताइए, अगर पसंद आए तो लाइक, और कमियाँ मिस इन्फॉर्मेशन दिखे तो कमेंट करके बता देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।